हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए आज हम क्या पढ़ेंगे, फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स। देयर ग्राफ्स, ठीक है ना। तो पहले ही क्या है, एग्जांपल 10। एग्जांपल 10 में क्या है, सपोज एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2x³ - x, फाइंड एफ ऑफ -1, एफ ऑफ 0, एफ ऑफ 2, एफ ऑफ पाई, एफ ऑफ x+h एंड एफ ऑफ x+h माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई h। ये है ना, तो ये तो बहुत ही ईजी है, आप लोग खुद भी कर सकते हैं, है ना। x की जगह पर -1 पुट कर दीजिए, एफ ऑफ -1 दिस इज इक्वल्स टू 2 ऑफ -1 का क्यूब माइनस ऑफ -1 दिस इज -2 + 1 - 1। ये तो सही है। अभी देखिए एफ ऑफ 0 इक्वल्स टू 2 × 0³ - 0 दिस इज इक्वल्स टू 0 - 0, तो 0। ये भी सही है। एफ ऑफ 2 में क्या किया है बुक में, यहाँ पर स्क्वायर कर दिया है ना। 2 × 2 का स्क्वायर क्या होगा, पर क्यूब होगा -2, दिस इज इक्वल्स टू 2 × 8 - 2, 16 - 2 दिस इज इक्वल्स टू 14। ये आंसर होगा, है ना। तो देख लीजिए ये हो रहा है या नहीं। अब एफ ऑफ पाई, यहाँ पर देखिए बुक में स्क्वायर किया हुआ है ना, यहाँ पर तो क्यूब है, क्यूब होगा, तो पाई क्या होगा, 2π³ - π। अभी देखिए एफ ऑफ x+h दिस इज इक्वल्स टू 2 × x+h³ - x+h, 2 × x³ + 3x² + 3x²+h³ - x - h दिस इज इक्वल्स टू 2x³ + 6x² + 6x²+2h³ - x - h। ये आ गया। उसके बाद देखिए एफ ऑफ x+h - f(x) - f(x)/h, ठीक है ना। तो ये तो है डेरिवेटिव का फॉर्मूला, कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं, ठीक है ना, उसका फॉर्मूला है। अभी देखिए दिस इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच, तो एक्स प्लस एच का वैल्यू क्या है, ये तो 2x³ + 6x² + 6x²+2h³ - x - h। ये था एफ ऑफ एक्स प्लस एच। अभी एफ ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स आ जाएगा यहाँ पर 2x³, तो एक्स को माइनस का एक्स है ना, माइनस का एक्स, तो फिर प्लस का एक्स आ जाएगा, इसके नीचे एच, तो दिस इज इक्वल्स टू, ये कटा हो जाएगा यहाँ पर, और ये भी, अभी 2h³ + 6x² + 6x²- h डिवाइडेड बाय एच। तो यहाँ से एच कॉमन ले लेते हैं, 2h² + 6x + 6xh - 1 डिवाइडेड बाय एच, कट कर दीजिए। अभी क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू 2h² + 6x + 6xh - 1। ये आ गया आंसर, ठीक है ना। उसके बाद देखिए अभी ये तो हो गया है ना, E10। एग्जाम्पल 11 देख लीजिए, EX11 इट इज नोन दैट An object dropped from a height in a vacuum will fall a distance of d meter in t second. According to the formula d of t equals to 9t² t > 0। नंबर वन क्या है, हाउ फार विल द
ऑब्जेक्ट फॉल इन द फर्स्ट सेकंड, ठीक है ना, फर्स्ट सेकंड में। उसके बाद देखिए, पहले लिख लेती हूँ उसके बाद समझा लेती हूँ क्या बोला है यहाँ पर, है ना। इन द नेक्स्ट टू सेकंड, नंबर टू में क्या है, हाउ फार विल इट फॉल ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल टी इक्वल्स टू वन टू टी इक्वल्स टू वन प्लस एच सेकेंड। एंड नंबर थ्री, व्हाट इज द एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इन मीटर पर सेकेंड ड्यूरिंग द टाइम t equals to 1 second to t equals to 3 second, है ना। अभी नंबर फोर, व्हाट इज द एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस ड्यूरिंग द टाइम t equals to x, c to t equals to, sorry, second, hc, t equals to x second to t equals to x plus h second, ठीक है। तो पहले से पढ़ लेते हैं यहाँ पर क्या बोल रहे हैं। E11, तो it is known that an object, एक कोई ऑब्जेक्ट है जो ड्रॉप्ड फ्रॉम द हाइट, एक ऊंची जगह से आप से ड्रॉप कर रहे हैं। इन ए वैक्यूम विल फॉल ए डिस्टेंस ऑफ डी मीटर, ठीक है ना, इन टी सेकंड, टी सेकंड में जा रहा है वो डी मीटर, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है यहाँ पर, डी ऑफ टी दिस इज इक्वल्स टू 90 स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसका ये d का डेरिवेटिव है यहाँ पर 90 स्क्वायर। तो पहले वाला क्वेश्चन क्या है, हाउ फार विल ऑब्जेक्ट फॉल इन द फर्स्ट सेकंड। तो फर्स्ट सेकंड मतलब t इक्वल्स टू यहाँ पर 1 है, तो t इक्वल्स टू 1 में हमें d का वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। तो d का वैल्यू निकाल लेंगे, तो d ऑफ 1 निकालेंगे, है ना, d ऑफ t गिवन है, तो 1 सेकंड में निकालना है हमें, तो हम क्या निकालेंगे, d ऑफ 1। तो यहां पर द फॉर्मूला इज डी ऑफ टी इक्वल्स टू 90 स्क्वायर, है ना। वेयर टी ग्रेटर इक्वल्स टू 0, तो यह तो हमें पता ही है, ग्रेटर इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, है ना। अभी देखिए यहाँ पर टी इक्वल्स टू हम क्या लेंगे, 1, डी ऑफ 1, तो 9 × 1 स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू 9 × 1, 9 मीटर, 9 मीटर, क्योंकि यहाँ पर हमें डी क्या दिया हुआ है, मीटर में, है ना। यहाँ पर जो d की वैल्यू है, d मीटर में गिवन है, तो जो मिलेगा हमें, जो डिस्टेंस मिलेगा वो क्या आ जाएगा, हमारा मीटर में आ जाएगा, है ना। उसके बाद देखिए, इन द नेक्स्ट टू सेकेंड, नेक्स्ट टू सेकेंड में मतलब नेक्स्ट टू सेकेंड में क्या आ जाएगा, पहले फर्स्ट में क्या आया, t इक्वल्स टू 1, है ना, तो नेक्स्ट टू सेकेंड क्या आ जाएगा, t इक्वल्स टू 3, ठीक है ना। तो अभी t इक्वल्स टू 3 एंड t इक्वल्स टू 1 का गैप निकालना है, तो t इक्वल्स टू 3 में कितना जाएगा, अभी यहाँ से t इक्वल्स टू 1 में 9 मीटर आ गया, अभी t इक्वल्स टू 3 में कहाँ जाएगा, है ना, d ऑफ 3 दिस इज इक्वल्स टू 9 ऑफ 3 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू 9 × 9, 81 मीटर, ठीक है ना। तो एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर था, ठीक है ना, तो यहाँ से आप नीचे गिरा रहे हो, यहाँ पर मान लीजिए ये 1 सेकंड है, तो ये आ गया 9 मीटर, है ना, और यहाँ पर इतना इतना आ गया, ये 3 सेकंड, और ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आ गया आपका 81 मीटर। तो नेक्स्ट जो 2 सेकंड है, उस 2 सेकंड में कितना गया, 81 − 9, है ना, तो द डिस्टेंस which
ऑब्जेक्ट फॉर द ऑब्जेक्ट फॉल इन नेक्स्ट टू सेकेंड इज क्या है 81 माइनस क्या आ जाएगा यहाँ पर 9 है ना, इतना मीटर. दिस इज इक्वल्स टू क्या है 72 मीटर. ठीक है ना. उसके बाद देखिए नंबर टू क्या है, हाउ फार विल इट फॉल ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल. टाइम इंटरवल कितना है, टी इक्वल्स टू 1 से टी इक्वल्स टू 1 प्लस एच. ठीक है ना. मान लीजिए टी का जो वैल्यू है, टी इक्वल्स टू एक जगह पर 1 है, मतलब पहले वाले पॉइंट यहाँ पर, यहाँ से गिर रहा है ये टी इक्वल्स टू 1. मान लीजिए यहाँ पर टी इक्वल्स टू 1 है और मान लीजिए यहाँ पर टी इक्वल्स टू 1 प्लस एच है. तो टी इक्वल्स टू 1 प्लस एच में ये जो आपका ऑब्जेक्ट है ये यहाँ तक आ गया, तो आपको निकालना है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस. तो हम क्या निकालेंगे, डी ऑफ 1 माइनस डी ऑफ सॉरी डी ऑफ 1 प्लस एच माइनस डी ऑफ 1, क्योंकि ये तो छोटा आ जाएगा, मतलब इसका जो डिस्टेंस है ये तो कम आ जाएगा इसका जो डिस्टेंस है इससे, है ना. तो डी ऑफ 1 प्लस एच माइनस d of 1. ठीक है ना. नंबर टू का क्या आ जाएगा, द ऑब्जेक्ट फॉल इन द टाइम इंटरवल t equals to 1 to t equals to 1 plus h is. ठीक है ना. the distance of the object क्या आ जाएगा यहाँ पर, d of 1 plus h minus d of 1. तो d of 1 plus h क्या आ जाएगा, 90 square है ना, 90 square में आ रहा है, ये देखिए 90 square है. d of t equals to 90 square है ना. तो हम यहाँ पर 90 square, तो 9 into 1 प्लस ए स्क्वायर है ना, एंड माइनस 9 इंटू 1 स्क्वायर. तो दिस इज इक्वल्स टू 9 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 इंटू एच एंड प्लस ए स्क्वायर प्लस 9. ठीक है. तो 9 प्लस 18 एच प्लस 9 ए स्क्वायर, दिस प्लस 9 नहीं, ये माइनस 9 है, माइनस 9. तो दिस इज इक्वल्स टू 9 ए स्क्वायर प्लस 18 एच, ये है ना. उसके बाद देखिए नंबर थ्री में क्या है यहाँ पर, व्हाट इज द एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ द डिस्टेंस. रेट क्या है, रेट ऑफ चेंज क्या है, जितना डिस्टेंस आ रहा है. ठीक है ना. डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम. ठीक है ना. तो यहाँ पर जो डिस्टेंस आ रहा है इस टाइम में, टी ऑफ 1 टू टी ऑफ 3. ठीक है ना. t of 1 to t of 3 में जितना डिस्टेंस आ रहा है, डिस्टेंस बाय टाइम कर देंगे. तो डिस्टेंस निकाल लेंगे पहले, द ऑब्जेक्ट फॉल इन द टाइम इंटरवल t equals to 1 to t equals to 3. कितना आ जाएगा ये d of 3 माइनस d of 1. तो दिस इज इक्वल्स टू d of 3 माइनस d of 1, तो हम पहले निकाल चुके हैं ना नंबर 1 में. ये देखिए नंबर 1 में कितना आया हमारा 72. तो दिस इज इक्वल्स टू 72 मीटर्स, 72 मीटर्स आ गया. और अभी हमें क्या करना है, एवरेज रेट ऑफ चेंज है ना. तो द एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस ड्यूरिंग दिस टाइम इज क्या आ जाएगा, 72 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1 इतना मीटर पर सेकेंड. तो दिस इज इक्वल्स टू 72 बाय 2, दिस इज इक्वल्स टू 36 मीटर पर सेकेंड. ठीक है ना. उसके बाद देखिए नंबर फोर का क्वेश्चन क्या है,
व्हाट इज द एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ द डिस्टेंस ड्यूरिंग टाइम टी इक्वल्स टू एक्स, टी इक्वल्स टू एक्स प्लस एज। तो देख लेते हैं टी इक्वल्स टू एक्स एंड टी इक्वल्स टू एक्स प्लस एज, है ना। नंबर फोर, चेंज एवरेज रेट ऑफ चेंज टू टी इक्वल्स टू एक्स प्लस एच इज, क्या आ जाएगा यहाँ पर डी ऑफ एक्स प्लस एच। ऑब्वियसली एक्स प्लस एच का वैल्यू बड़ा है तो इसलिए एक्स प्लस एच और डी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस एच माइनस एक्स, ये आ जाएगा, है ना। तो इसका वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पर 90 स्क्वायर है तो टी की वैल्यू ये है, क्या करेंगे 9 इंटू एक्स प्लस एच इसका स्क्वायर एंड माइनस 9 एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स एक्स कैंसिल हो गया एच, दिस इज इक्वल्स टू 9 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू एच प्लस एच स्क्वायर माइनस 9 एक्स स्क्वायर और डिवाइडेड बाई एच। तो दिस इज इक्वल्स टू 9 एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा 18 एक्स एच, है ना, एंड प्लस 9 एक्स स्क्वायर माइनस 9 एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच। तो दिस इज इक्वल्स टू 9 एक्स स्क्वायर कैंसिल आ जाएगा, अभी 9 और एच कॉमन ले लेंगे तो 2 यहाँ पर x और प्लस एच डिवाइडेड बाई एच, है ना। तो दिस इज इक्वल्स टू एच कैंसिल आ जाएगा 9 इंटू 2 एक्स प्लस एच। देखिए वहाँ पर x गिवन नहीं है, क्या गिवन है 9 एच प्लस 18, है ना। तो x कहाँ पर गया, ये तो x तो यहाँ पर रह जाएगा, है ना। देख लीजिए इसका आंसर भी और कमेंट करके बताइए ये आंसर आया या फिर नहीं। अभी देख लीजिए एग्जाम्पल 12, लेट f बी ए फंक्शन फ्रॉम R to R defined by f of x equals to x cos x if x less than 2 and 3x square minus 1 if x की value greater or equals to 2 आ जाए, है ना। तो यहाँ पर वैल्यू निकालना है हमें f of f find f I and defined f of माइनस 0.5 एफ ऑफ पाई बाई टू एंड एफ ऑफ टू, हेंस एक्स एच इन रेडियन। तो यहाँ पर एक्स की जो यहाँ पर डिग्री गिवन, यहाँ पर गिवन है ना, ये सभी रेडियन में गिवन है। तो पहले एफ ऑफ 0.5 से स्टार्ट कर लेते हैं, एफ ऑफ माइनस 0.5। तो पहले तो फंक्शन का एक यहाँ पर देख लेते हैं, मान लीजिए ये पॉइंट है 2, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2 पॉइंट से छोटा हो जाए, अगर x की वैल्यू 2 पॉइंट से छोटा है मतलब इधर, ठीक है ना, 2 पॉइंट नहीं 2 पॉइंट के आगे वाले पॉइंट से इधर, ठीक है ना, आगे पीछे आप लगा लीजिए ये वाला पॉइंट से, ठीक है ना। तो यहाँ से इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा क्या, यहाँ पर जो फंक्शन है, है ना, फंक्शन कैसे डिफाइन कर रहा है यहाँ पर x cos x, ठीक है ना, ये है फंक्शन। अभी f ऑफ x इक्वल्स टू ये है, अगर x की जो वैल्यू है ये 2 से इधर आ जाए, 2 अगर x इक्वल्स टू 2 आ जाए तो भी फंक्शन का वैल्यू ये आ जाएगा, f ऑफ x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 1, है ना। तो हमें पहले क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ माइनस 0.5 मतलब यहाँ पर 0 है और माइनस का हाफ, तो मान लीजिए इधर है माइनस का 0.5, तो 2 से तो इधर है, है ना, 2 से ये क्या है छोटा है इसका वैल्यू, तो ये फंक्शन का जो
यहाँ पर डेफिनेशन है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स इंटू कॉस एक्स आ जाएगा, है ना, ये फंक्शन यहाँ पर हो जाएगा। तो एफ ऑफ माइनस 0.5 दिस इज इक्वल्स टू एक्स की जगह पर यहाँ पर क्या है एक्स की एफ ऑफ एक्स एक्स इंटू कॉस एक्स, तो माइनस ऑफ 0.5 इंटू कॉस ऑफ माइनस 0.5, और कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, माइनस 0.5 एंड कॉस 0.5। तो कॉस ऑफ 0.5 का वैल्यू बुक में गिवन है, ठीक है ना, अगर आपका मान लीजिए एग्जाम में आ गया ये, ठीक है ना, तो यहाँ तक करके ही छोड़ देना है आपको, अगर वैल्यू मालूम नहीं है, है ना, तो आप कैसे पुट करेंगे, क्योंकि एग्जाम में तो आप लोगों को कैलकुलेटर नहीं दिया जाता है ना, तो कैलकुलेटर देना चाहिए। हम तो कैलकुलेटर से, कैलकुलेटर में तो गूगल नहीं होता है ना, हम गूगल से क्वेश्चन आंसर नहीं कर सकते हैं, क्वेश्चन को तो कहीं से टाइप करके हम क्वेश्चन का आंसर नहीं निकाल सकते हैं ना, तो कैलकुलेटर देना चाहिए, ये बात को तो इग्नू को समझना चाहिए। बहुत मतलब इसमें अगर नहीं भी दिया होता है जिसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन होता है ना, उसमें तो देना ही चाहिए, अगर नहीं देता है तो अब हम क्या कर सकते हैं ना। तो इसका वैल्यू गिवन है 0.27, अभी 0.5 माइनस का इंटू 0.27, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो माइनस 1.35 इसका आंसर है, ठीक है ना। अभी देखिए एफ ऑफ पाई बाई टू, एफ ऑफ पाई बाई टू, तो दिस इज इक्वल्स टू पाई बाई टू, पाई की वैल्यू क्या है 3.14 बाई टू, तो दिस इज इक्वल्स टू 1. समथिंग आ जाएगा 1.57, है ना, तो 1.57 जो आ रहा है ये कहाँ पर है, ये यहाँ पर 2 है, मान लीजिए यहाँ पर 1.57 है ना, इस वाले जगह पर आ जाएगा, तो इस साइड में, तो फंक्शन का यहाँ पर जो फंक्शन है वो क्या आ जाएगा x इंटू कॉस एक्स, है ना, तो यहाँ पर x क्या है पाई बाई टू इंटू कॉस एक्स, कॉस पाई बाई टू, कॉस पाई बाई टू का वैल्यू क्या है, कॉस पाई बाई टू का वैल्यू क्या होता है, दिस इज इक्वल्स टू 0, एफ ऑफ टू, ठीक है ना, एफ ऑफ टू टू ही निकालना है, तो यहाँ इस वाले पॉइंट से इधर आ जाएगा फंक्शन का वैल्यू, ये हो जाएगा, है ना, तो 3x² - 1, तो एफ ऑफ टू 3 × x² 2 का स्क्वायर -1, दिस इज इक्वल्स टू 3 × 4 - 1, 12 - 1, दिस इज इक्वल्स टू 11। तो आज इतना ही है ना, अगले वीडियो में हम देखेंगे इसका जो एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 14 से, ठीक है ना, जितना हो सके करेंगे, थोड़ा थोड़ा ही पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।